हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो है, ये देख सकते हैं आप, ये फ्लावर है पंचमुखी गुड़हल का। ये पंचमुखी गुड़हल का फूल है, देख सकते हैं आप। ये हाइब्रिड वैरायटी है एक गुड़हल की। ये बहुत ही दिखने में खूबसूरत होती है, देख सकते हैं आप। ये मैंने पहली बार लगाया है, मैंने इसी साल इस गुड़हल को लगाया है। ये मुझे 20 रुपए में मिला था, नर्सरी से मैंने लिया था। जब मैंने लिया था तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा गुड़हल है, मतलब मैं पूछना भूल गया था, मैं बस इसी तरह लेते आया था। फिर उसके बाद जब लाया तो इसकी जब कलियाँ आने लगी तब मुझे पता चला कि ये पंचमुखी गुड़हल है। इसलिए मैंने सोचा कि जब इसका जब ये पहली फ्लावरिंग होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये मेरा पौधा लगभग 3 से 4 फीट का हो चुका है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी। मैंने इसे शायद जून या मई में लगाया हुआ था और इसे मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। आप इसे ईज़ली मतलब कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत से लोग कटिंग से लगाते हैं, बहुत ही अब कॉमन हो चुका है, बहुत जगह ये मिलता है, लेकिन मैंने तो इसे पहली बार लगाया है और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें कलियाँ भी आने लगी हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। नर्सरी पे भी बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है, या आपके कोई मतलब गार्डनर दोस्त होंगे जो गार्डनिंग करते होंगे, या अगल बगल गार्डन्स में भी बहुत सारे ये बगीचों में भी लगा रहता है। तो इसकी कटिंग आप लगा देख सकते हैं कितना मतलब हेल्दी है, कितना ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी हो रही है। अभी तो ये मुझे लग रहा है विंटर सीजन तक ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी करेगा, फिर शायद स्प्रिंग आएगा तो मैं इसकी कटिंग करूँगा क्योंकि इसकी नई ब्रांचेज आ सके। तो यही सब है। इसे पंचमुखी गुड़हल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो कॉमन गुड़हल रहता है उसमें देखेंगे आप स्टेमेन और जो पोलन का पार्ट रहता है वो एक ही रहता है, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप 5 निकले हुए हैं। तो इसलिए इसे पंचमुखी कहते हैं क्योंकि इसके 5 मुख होते हैं, तभी इसे पंचमुखी कहते हैं। ये बिल्कुल एकदम लगेगा गुलाब जैसा है, मतलब एकदम इसमें कई सारे पेटल्स होते हैं, देखने को मिल रहा होगा आपको, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे तो मैंने इसे आज तक पिंक कलर में ही देखा है या रेड कलर में, इसके अलावा और मैंने इसके कलर्स नहीं देखे हैं, मेरे हिसाब से नहीं है, बस ये 2 ही कलर्स में मिलता है। और इसकी केयर के बारे में बात करूँ तो जो सेम केयर है जो हम लोग गुड़हल के फूलों के पौधों के साथ करते हैं, केयर जो भी उसमें फर्टिलाइज़र है इसमें भी सेम केयर ही करना पड़ता है और कोई डिफरेंट कुछ अलग चीज़ नहीं करना रहेगा। बस इसे अच्छी धूप मिलनी चाहिए 9-10 घंटे की और इसको वाटरिंग इसके हिसाब से करें तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको मतलब कुछ कहना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे इसी तरह आगे बढ़ाएं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।